हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिपेयर पाथवे पढ़े थे, लाइक हमने एनएच टीजे मतलब नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग वाला पाथवे हमने कवर कर लिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर था हमारे रिपेयर का, बट अभी कुछ एडिशनल टॉपिक और है रिपेयर के अंदर जो देखने को मिले, तो हम उसको भी आज कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर आज होगा हमारे रिपेयर का। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं रिपेयर के बारे में, लाइक होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू हम देखें रिपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, एंड समरी जो अब तक हमने रिपेयर के अंदर पढ़ा है वो हम कंप्लीट करेंगे। एंड कुछ सम सिग्नलिंग पाथवे आज हम कवर करेंगे, लाइक जो डीएनए डैमेज रेस्पॉन्स सिग्नलिंग पाथवे होते हैं, लाइक एटीएम और एटीआर, जो कि सेल बायोलॉजी में अपन पढ़ते हैं, बट अगर अपन रिपेयर के साथ ही पढ़ लेंगे तो हमारा वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक सेल बायोलॉजी में होते हैं एंड मॉल बायो का टॉपिक लाइक अपन रिपेयर पढ़ रहे हैं, पर इसके सिग्नलिंग हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो कनेक्ट करने में बाद में दिक्कत आ जाती है। तो अगर हम हैंड टू हैंड ही रिपेयर के साथ ही उनकी सिग्नलिंग पाथवे पढ़ लेंगे तो आपका टॉपिक एकदम इजी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को एक इमेज से, हम एक जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, लाइक हम सबसे पहले हम पढ़े थे बेस ऑक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये समरी अपन आज कवर कर लेते हैं, पहले समरी करते हैं फिर बाद में अपन क्या करेंगे पूरा पाथवे कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए कि ऑक्सीजन जो रेडिकल्स होते हैं या आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं या कीमो थेरेप्यूटिक्स होते हैं, वो एक तरह से क्या करके जाते हैं, बेस ऑक्सीजन रिपेयर क्रिएट करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर बेस पे क्या करेंगे, म्यूटेशन क्रिएट करेंगे, बेस मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमने कैसे बेस ऑक्सीजन रिपेयर को हमने सही किया था। ठीक है, कि हमने मॉडिफाइड बेस को हमने रिमूव किया, वहाँ पे ए प्यूरिनिक ए पाइरिमिडिनिक साइट देखने को मिली। ठीक है, बट क्या उतना ही होता है, नहीं, कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी होते हैं, लाइक यहाँ पे देखो यहाँ पे OGG1 है, यहाँ पे क्या होता है पार्प वन एंड पार्ट टू आके बाइंड करेंगे, देन यहाँ पे क्या होता है XRCC1 क्या करते हैं, ये एक तरह से डिटेक्टर की तरह काम करते हैं, डिटेक्ट करेंगे एंड देन ये क्या करके जाएंगे, क्लीव करेंगे उस पर्टिकुलर बेस को। ठीक है, जैसे कि अपन ने बेस ऑक्सीजन रिपेयर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने एपी एंडो न्यूक्लियस पढ़ा था, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेज पढ़ा था। तो उसके अलावा भी बेस ऑक्सीजन रिपेयर के अंदर लाइक अगर अपन देखें ये OGG1 लाइक जस्ट लाइक एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मॉडिफाइड बेस है। ठीक है, तो उसको सही करना है तो हम क्या करेंगे, पार्प वन एंड पार्प टू से सिग्नलिंग कराएंगे एंड पार्प वन पार्प टू के बाद में XRCC1 आएगा, देन वो क्लीव करके जाएगा उस पर्टिकुलर बेस को। ठीक है, देन पॉलीमरेज बीटा पीसीएनए और एफईएन फ्लैप एंड न्यूक्लियस आके ये क्या करके जाएंगे, ये न्यू जो न्यूक्लोटाइड होगा, न्यू न्यूक्लोटाइड है उसको अटैच करके जाएंगे एंड देन लाइगेज थर्ड आएगा सील करेगा एंड देन हमारा बेस ऑक्सीजन रिपेयर कंप्लीट हो जाएगा। एज वेल एज हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर, रीजन क्या है न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर का, तो हमने देखा यूवी लाइट न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर कर सकती है या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर। ठीक है, लाइक बल्कि एडक्ट्स देख सकते हैं या इंटरेस्टेंट क्रॉस लिंकिंग यहाँ देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, लाइक हम देखते थे ना कि थायमिन थायमिन डायमिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे कि दो पाथवे चल रहे थे वहाँ पे, लाइक GGNER ग्लोबल जीनोमिक NER और ट्रांसक्रिप्शन कपल NER TCNER, दो पाथवे हमने देखे थे। और वहाँ पे हमने डिटेल में देखा था कि वहाँ पे GGNER में XPD XPC जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच जो कि आपने ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पढ़ा था उसकी सब यूनिट होती है, ठीक है, 10 to 12 सब यूनिट होती है, तो XPD XPC ये क्या है, ये रिपेयर में काम आ रही है। ठीक है, एंड डीएनए डैमेज बाइंडिंग 1 XPE ये आके बाइंड करेंगे, डीएनए डैमेज बाइंडिंग 2 भी बाइंड करता है। ठीक है, एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल NER के अंदर आरएनए पॉलीमरेज आपका बीटा हो गया, CSA CSB आके बाइंड करेंगे एंड देन ये क्या करके जाएंगे, इसके बाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, XRCC1 और XPF आके बाइंड करेंगे, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को क्लीव करेंगे। ठीक है, पहले जो प्रोटीन आई थी XPD XPC DDB1 एंड XPE ये क्या है, डिटेक्टर है। ठीक है, डिटेक्ट किया पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को जहाँ पर भी म्यूटेशन हुआ है एंड देन XRCC1 XPE XPF ये क्या करके जाएंगे, एक्साइज करेंगे एंड देन PCNA, ठीक है, पॉलीमरेज आपका डेल्टा हो गया या एप्सिलॉन हो गया, ये क्या करके जाएंगे, ये न्यू न्यूक्लियोटाइड को बना के जाएंगे एंड Ligase 1 क्या करेगा, सील कर देगा डीएनए को। तो ये हमने पढ़ा था NER के अंदर। इससे पहले सबसे पहले लेक्चर हमने पढ़ा था मिसमैच रिपेयर का, तो मिसमैच रिपेयर क्या है, रेप्लिकेशन स्ट्रेस की तरह की वजह से होता है। ठीक है, तो इसके वजह से बेस मिसमैच हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखा था एडेनिन साइटोसिन से पेयरिंग कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थायमिन थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन हो गया,
यहाँ पे क्या था, लाइक गुआनिन का मॉडिफिकेशन हो गया, लाइक मिथाइलेशन हो गया या एडिनिन का मॉडिफिकेशन हो गया है। तो ये हर एक चीज नाम से ही बता के जा रहे हैं, बेस मतलब एक पर्टिकुलर बेस को रिमूव करना है, बेस मॉडिफाइड हुआ है, न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गए हैं वहाँ पे डाइमर फॉर्मेशन करके जा रहे हैं, ठीक है। मिसमैच मतलब एडिनिन एंड साइटोसाइनिन की मिसमैच पेयरिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन स्ट्रेस की वजह से होता है, रेप्लिकेशन की वजह से होता है या रेप्लिकेशन एरर की वजह से यहाँ देखने को मिलता है। तो बेस मिसमैच हो जाए तो मिसमैच रिपेयर काम करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा था MSH2, MSH6 या MLH1 या PMS2, ये क्या करके जाएंगे कि डिटेक्टर की तरह काम करते हैं, डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद में EXO-1, PCNA और RCF ये क्या करके जाएंगे, ये एक तरह से एक्सरसाइज करेंगे उस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को जो कि क्या हुआ है, मिसमैच हुआ है। एंड देन पॉलीमरेज डेल्टा आएगा और LIGASE-1 या LIGASE-4 की हेल्प से हम सील कर सकते हैं पूरे DNA को। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़े बहुत फैक्टर्स हैं जो आपको वहाँ पे ऐड करने हैं कुछ, लाइक अगर अपन देखें PMS2, ये हमने वहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखा नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए PMS2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट, मिसमैच रिपेयर। तो ये थोड़े बहुत आपको वहाँ ऐड कर लेना है। इसके बाद में अगर अपन देखें कि आयनाइजिंग रेडिएशन या कीमोथेरेप्यूटिक या ड्यूरिंग रेप्लिकेशन कुछ और एरर क्रिएट हो सकते हैं, लाइक हमने पढ़ लिया था नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था कि सबसे पहले कि नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, KU-70 या KU-80 के बाइंड करेंगे, डाइमर फॉर्म में आते हैं, देन क्या होगा, DNA प्रोटीन काइनेज आके बाइंड करेगा, एंड देन आर्टेमिस XRCC4 XLF आके बाइंड करेंगे, एंड देन उस पर्टिकुलर ये कुछ क्या कहते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, कुछ पार्ट को क्लीव करते हैं, एंड देन पॉलीमरेज म्यू आके बाइंड करेगा एंड LIGASE-4 आके सील कर देगा। ये हमने पूरे डिटेल के अंदर देख चुके हैं लेक्चर को, ये पूरी समरी है जो आज हम इस लेक्चर के अंदर लेने वाले हैं कि रिपेयर में कैसे काम आएगा। एडिशनल क्या पढ़ने वाला है, एडिशनल आज हमारा क्या है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन अगर हो जाता है, होमोलोगस मतलब सेम लोगस के ऊपर है, एंड देन वहाँ पे क्या हो रहा है, एरर हो सकता है, तो यहाँ पे पाथवे चल सकता है ATM-mRNA कॉम्प्लेक्स। ATM-mRNA कॉम्प्लेक्स को मैं और थोड़ा डिटेल में अभी थोड़ी देर में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ये ATM-mRNA कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, जहाँ पे भी डैमेज हुआ है ना उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, वहाँ जाके बाइंड कर जाएंगे। देन RPA आएगा एंड BRCA2 या FNA-CD आके बाइंड करेंगे, RAT-51 FNCF, ये क्या करके जाते हैं, ये एक्सरसाइज करने का काम करेंगे उस पर्टिकुलर पार्ट को जहाँ से थोड़ा डैमेज हुआ है। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन आके जो डैमेज पार्ट अपने क्लीव किया है उस पार्ट को, सही पार्ट को ये क्या करेंगे, अटैच करवा देंगे, एंड देन लाइगेज बना के क्या करेगा, सील कर देगा। मतलब कि यहाँ पे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, डिटेक्ट करने के लिए mRNA कॉम्प्लेक्स, ATM-mRNA कॉम्प्लेक्स आएगा। इसके बाद में कौन आ रहा है, यहाँ पे BRCA2, FNCD, RAT-51, FNCF या RPA आके बाइंड करते हैं, एंड देन पॉलीमरेज डेल्टा एंड पॉलीमरेज जो एप्सिलॉन है वो क्या करके जाएंगे, पॉलीमराइज करके जाएंगे, एंड देन लाइगेज की हेल्प से हम सील कर देंगे। तो ये आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि mRNA ATM कॉम्प्लेक्स है, तो ये काम कैसे करता है, इनको कोई ना कोई तो एक्टिवेट करता होगा, तो थोड़ा सा हमें सेल बायोलॉजी लिंक करना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, DNA डैमेज रेस्पॉन्स सिग्नलिंग पाथवेज हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आए क्या होगा, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। अब देखो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है DNA डैमेज रेस्पॉन्स सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल बायोलॉजी के ऊपर भी इस पर क्वेश्चन आते हैं, हम इसको मॉल बायो से कनेक्ट करने वाले हैं, बस थोड़ा सा चेंज ही। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि डैमेज दो टाइप से होते हैं, या तो डबल स्ट्रैंड DNA डैमेज हो जाए या सिंगल स्ट्रैंड DNA डैमेज हो जाए। तो दोनों के अंदर दो पाथवे चल रहे होते हैं, यहाँ पे दो पाथवे हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम क्या, ATR पाथवे, और सेकंड पढ़ेंगे हम क्या, ATM पाथवे। ATM और ATR क्या है, अगर अपन देखें क्या है ये ATM और ATR, ATM लाइक अटैक्सिया टैलेन जी अक्टेजिया, म्यूटेटेड। एन ATR क्या है,
अटैक्सिया, अटैक्सिया, टैलेंट, जी अटैक्सिया, एंड रेड थ्री रिलेटेड। तो इनके फुल फॉर्म है कि एटीआर क्या होता है और एटीएम क्या है, दो पाथवे हम पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं हम पहले पाथवे। तो देखो यहाँ पे एक जगह लिख देते हैं अपन एटीआर पाथवे, एटीआर पाथवे, और दूसरी जगह लिख देते हैं यहाँ पे एटीएम पाथवे। ठीक है, एटीआर के अंदर आप क्या देखोगे, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डीएनए डैमेज, लाइक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज देखने को यहाँ मिल सकता है। लाइक अगर अपन बात करें कि ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है, तो इस डीएनए में पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पर, लाइक मैंने बोला कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज हो गया, यहाँ पे आपको ये डैमेज देखने को मिला, यस। और यहाँ पे अगर अपन देखें एटीएम के अंदर, यहाँ पे आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेज देखने को मिल सकता है। लाइक अगर अपन देखें तो ये लो, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेज है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है, डीएनए डैमेज जो हुआ है, डीएनए डैमेज है सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है, और यहां पे जो डीएनए डैमेज है वो क्या है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक है। अब सबसे पहले क्या होना चाहिए, इस पर्टिकुलर रीजन पे जहां पे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज हुआ है या डबल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज हुआ है, तो कोई सबसे पहले कोई प्रोटीन आएगी जो उसको डिटेक्ट करने का काम करेगी। तो यहां पे अब क्या होगा, सबसे पहले अगर अपन देखें तो यहाँ पे कौन आ रहा है, लाइक अगर अपन देखें ये देखो, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज है और यहाँ पर क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिटेक्ट करने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए इधर कौन आएगा, इस पर्टिकुलर रीजन पे आएगा यहाँ पे कौन, एटीआरआईपी, कौन आएगा, एटीआरआईपी, और इस पर्टिकुलर जगह पे कौन आएगा, इस पर्टिकुलर जगह पर आएगा कौन, एमआरएन, कौन आएगा, एमआरएन। ठीक है, मतलब कि एटीआरआईपी वाला पाथवे है तो यहाँ पे, और एटीआर वाला पाथवे तो एटीआरआईपी, और एटीएम में कौन आ रहा है, एटीएम, एटीएम, एमआरएन। ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एटीआर, एटीआर बाइंड एटीआर आईपी, और यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एटीएम किससे बाइंड करेगा, एटीएम बाइंड एमआरएन, किससे बाइंड कर रहा है, एमआरएन से बाइंड कर रहा है। यहां तक आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बाइंड करने के बाद यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये किसको एक्टिवेट करेंगे, ये कुछ चेक पॉइंट को एक्टिवेट करने वाले हैं, दोनों अलग अलग चेक पॉइंट को रिमूव एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो इसने एक्टिवेट किया है किसको, इसने एक्टिवेट किया, ठीक है, किसको, चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट काइनेज 1, क्या है ये, चेक पॉइंट काइनेज 1, और इसने एक्टिवेट किया है किसको, इसने एक्टिवेट किए हैं क्या, CHK2, ये CHK2 क्या है, चेक पॉइंट काइनेज 2। अब देखो ये एक तरह से दोनों के दोनों किसी और को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, सेल बायोलॉजी सिग्नलिंग में हम पढ़ते हैं ये, ठीक है। अब ये दोनों किसी ना किसी और को एक्टिवेट करेंगे, तो चेक पॉइंट 1 जो काइनेज होता है ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये CDC25 को एक्टिवेट करता है।
और चेक पॉइंट टू किसको करेगा, P53 को एक्टिवेट करेगा। क्लियर है, दोनों के दोनों अलग अलग को एक्टिवेट करके जा रहे हैं। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, CDC25 क्या करता है, CDC25 क्या करेगा, ये चेक पॉइंट क्या करता है, अरेस्ट कर लेता है सेल को। ये चेक पॉइंट क्या करता है, अरेस्ट कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है सेल को। और P53 क्या कर सकता है, ये P53 एक तरह से DNA का रिपेयर कर सकता है, DNA रिपेयर में पार्टिसिपेट करता है। ये P53 क्या कर सकता है, अपोप्टोसिस में रेस्पॉन्सिबल है। और ये P53 और क्या कर सकता है, ये अगेन चेक पॉइंट अरेस्ट कर सकता है, मतलब सेल को क्या करेगा, अरेस्ट कर देगा कि भाई आगे मत जाओ, ठीक है आपको यहीं रुक जाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ डैमेज देखने को मिला है। अगर आगे जाओगे, अगर आप तो डैमेज DNA लेकर जा रहे हो, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिशन होते हैं लाइक G1S ट्रांजिशन, G2M ट्रांजिशन, तो हमें क्या करना होता है, उन पर्टिकुलर चेक पॉइंट पे हमें इनको ब्लॉक करना होता है कि भाई आगे मत जाने दो सेल को, ठीक है। अगर G1 के अंदर सेल म्यूटेटेड है, तो आप क्या करो, G1S ट्रांजिशन में ब्लॉक करने की कोशिश करो कि वहीं सेल रुक जाए, एस फेज में ना जाए, रेप्लिकेट हो जाएगा तो म्यूटेटेड DNA रेप्लिकेट होकर आगे जा रहा है। फिर भी हम कोशिश करते हैं G2M के अंदर कि G2M भाई आप रोको इस सेल को कि आगे ना जाए। अगर इनकेस अगर एम फेज में चली गई, तो एम फेज में जाने के बाद हमारे पास टाइम बहुत कम रह जाता है कि सेल को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि 1 घंटे की एम फेज है। आप सोचो जो काम आप 13 घंटे में नहीं कर पाए, G1S G2 में नहीं कर पाए, एम फेज में करने के चांस कितना है, 1 घंटे में आप क्या क्या कर लोगे। फिर भी वहाँ पे हमारे पास चांसेस होते हैं, लाइक एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, APC काम करता है, कि वहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि और अभी भी सेल को रोक दे। पर ज़्यादा जो हम सेल को अरेस्ट करते हैं वो G1S ट्रांजिशन में करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी स्पेज है, वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सेल को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके दो पाथवे हो गए हैं, आपके कौन से, ATM और ATR पाथवे आपके हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, इस वाले पाथवे को। ये देखो ये इजी पाथवे, इतना हार्ड कोई हार्ड पाथवे नहीं है। ये लो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने देखा कि जो DNA डैमेज हुआ है, रेस्पॉन्स सिग्नलिंग पाथवे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दो पाथवे पढ़ते हैं, ATR पाथवे, एटैक्सिया टेलंगियेक्टेसिया एंड RET3 रिलेटेड पाथवे हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर एक होता है ATM पाथवे, ATM एटैक्सिया टेलंगियेक्टेसिया म्यूटेटेड। तो ATR और ATM से क्या है, देखो ATM का मतलब जानते हो, जहाँ से आप मनी निकालते हो, तो समझ जाओ ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ATR बोल के जा रहा है, ATR बोल के जा रहा है कि भैया मैं सिंगल स्ट्रैंड DNA डैमेज करूंगा, ये बोला मैं डबल स्ट्रैंड DNA डैमेज करूंगा। अब सिंगल स्ट्रैंड DNA डैमेज होगा तो अलग डिटेक्टर आएगा, और डबल स्ट्रैंड DNA डैमेज होगा तो अलग डिटेक्टर आके डिटेक्ट करके जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि डिटेक्ट करने के लिए कौन आया, यहाँ पे ATR IP आया, और यहाँ पे कौन आया, mRNA आया। तो ये दोनों ATR बाइंड कर जाएगा ATR IP से, और ATM बाइंड करेगा mRNA से। आफ्टर बाइंडिंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक्टिवेट कर रहे हैं चेक पॉइंट्स को, ये चेक पॉइंट kinase 1 को, और ये एक्टिवेट करेगा चेक पॉइंट kinase 2 को एक्टिवेट करेगा। देन यहाँ पे CDC25 को ये क्या करेंगे, टारगेट बनाएंगे। CDC25 क्या करता है, ये एक तरह से क्या करेगा, सेल को अरेस्ट करेगा, ठीक है। आपको ये G1 के अंदर सेल को अरेस्ट कर सकता है, G1S ट्रांजिशन के अंदर। ऐसे P53 क्या करेगा, P53 DNA रिपेयर कर सकता है, DNA रिपेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अपोप्टोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपको पता है, ठीक है। अगर अपन देखें ट्यूमर सप्रेसर जीन भी बोलते हैं इसको एक तरह से, P53 को ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लॉस ऑफ फंक्शन अगर अपन पढ़ते हैं ना कैंसर के अंदर, अपन पढ़ते हैं ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। जब हम कैंसर पढ़ेंगे तो उसको P53 को भी हम डिटेल के अंदर देखेंगे, P53 के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। एंड P53 क्या कर सकती है, ये चेक पॉइंट को अरेस्ट भी कर सकती है कि भैया अगर कोई दिक्कत आएगा तो मैं अरेस्ट करूंगी सेल को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिपेयर की सिग्नलिंग पाथवे है, दो पाथवे रिपेयर की सिग्नलिंग में चलती है, ठीक है। हम मिसमैच रिपेयर पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर पढ़ रहे हैं, बेस ऑक्सीजन रिपेयर पढ़ रहे हैं, SOS रिपेयर पढ़ रहे हैं, आप नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग पढ़ रहे हो, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन टाइप में पढ़ रहे हो, बट वहाँ पे कोई ना कोई तो एक्ट सिग्नलिंग चल रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा था, देखो ये रहा इस पाथवे में अगर अपन देख रहे हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इधर आपको बताया है कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में ATM mRNA कॉम्प्लेक्स करके जा रहे हैं,
ठीक है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन अगर डैमेज हो रहा है, डैमेज कैसे हुआ है, डैमेज अभी हमने देखा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है, डबल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेज मतलब कि हम बोल के जा रहे हैं कि आपका एटीएम एमआरएन ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये एटीएम एमआरएन कॉम्प्लेक्स क्या करके जा रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने बोला BRCA2FNCD DAT51FNCFRPM, ये क्या करके जाएंगे, ये आपके एक तरह से उस पर्टिकुलर पार्टिकल को स्ट्रीम करते हैं। लाइक अगर अपने यहाँ पे पढ़ा है तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया कि एटीएम बाइंड विद एमआरएन एंड चेक पॉइंट टू क्या हुआ, एक्टिवेट हो जाएगा। ये चेक पॉइंट टू क्या करता है, ये चेक पॉइंट टू, ये सेल बायोलॉजी के अंदर अगर अपन देखे, सेल बायोलॉजी और मॉल बायो को अगर कनेक्ट कर सकते हो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो चेक पॉइंट टू क्या करता है, ये किसी प्रोटीन को, क्योंकि ये काइनेज है, चेक पॉइंट काइनेज टू, तो ये चेक पॉइंट काइनेज टू P53 को एक्टिवेट करा। P53 बोला कि मैं रिपेयर में रेस्पॉन्सिबल हूँ, अपोप्टोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ और चेक पॉइंट अरेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो रिपेयर के लिए कैसे रेस्पॉन्सिबल P53, तो P53 बोल रहा है कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ ऐसे डिटेक्टर, ऐसे कुछ डिटेक्टर को भेज रहा हूँ, कुछ ऐसे मैं एंडियो न्यूक्लियस को भेजूंगा कि जो क्या करेगा उस डैमेज पार्ट को कुछ ट्रिम कर देगा। तो वो ट्रिम कौन करके जा रहा है, RPA BRCA2 FNCD DAT51 FNCF, ये क्या करेंगे, एक्साइज करने का काम करेंगे। एंड देन क्या होगा, पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन आएगा और देन लिगेज क्या आएगा, वन आएगा और देन पूरा डीएनए बना देगा। तो यहाँ पर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर जो रिपेयर हम कर रहे हैं, तो वहां पे कौन से सिग्नलिंग पाथवे चला रहे हैं, हम चला रहे हैं एटीएम पाथवे चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम, एटीएम एमआरएन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। एटीएम एमआरएन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे P53 एक्टिवेट होगा। अगर एटीआर आईपी अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेज हुआ है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज आप कहाँ देख रहे थे, अभी देखो अगर अपन देखें तो यहाँ पे आप देख रहे थे नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग के टाइम पे आप लोगों ने थोड़ा देखा था। तो यहाँ पे अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेज अगर यहाँ पे भी हो जाता है या डबल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज हो रहा है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, ये सिग्नलिंग पाथवे को दोनों को कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर यहाँ डाउट रह गया है। ठीक है, जितना हो सकेगा हम क्या करेंगे, सेल बायोलॉजी एंड मॉल बायोलॉजी को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ लगेगा कि मॉल बायोलॉजी की सिग्नलिंग, मॉल बायोलॉजी में कोई टॉपिक है और उसको सिग्नलिंग से हम समझा सकते हैं, तो अपन सेल बायोलॉजी की सिग्नलिंग को यहाँ ले आएंगे, ताकि दोनों को अलग ना करके दोनों को एक ही करके हम समझें। ठीक है, लेक्चर अच्छा लग रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीएसआर एग्जाम। बाय, टेक केयर।